हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम पोटैटो रोल्स बनाएंगे। पोटैटो रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक परात में एक कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच तेल डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे की तरह डो तैयार कर लेंगे। देखिए डो बन चुका है। अब इसे एक कपड़े से ढककर दस मिनट के लिए छोड़ देंगे। डो तो बन चुका है, अब हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल लेंगे और उसमें 1/4 कप उबली हुई मटर डालेंगे। अब हम पोटैटो मैशर की हेल्प से मटर को मैश कर लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर ना हो तो आप कटोरी से भी इसे मैश कर सकते हैं। देखिए सारी मटर अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अब इसमें 2 आलू जिसे हमने पहले ही उबाल कर और छील कर रख लिया था, अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। आलू कद्दूकस हो चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और 1/3 कप अरारोट डालेंगे। अरारोट डालने से आलू बहुत अच्छे से बाइंड अप हो जाते हैं। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए आलू अच्छे से बाइंड अप हो चुका है, फिलिंग भी बन चुकी है। अब हम फिलिंग की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इसके लिए हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे। अब हाथ में थोड़ी सी फिलिंग लेकर इस तरीके से इसकी एक छोटी बॉल बना लेंगे। इसी तरीके से बाकी बॉल्स भी बना लेंगे। सारी बॉल्स बन चुकी हैं। अब हम तेल गरम करेंगे। धीमी आंच पर इसे गरम होने देंगे। अब हम पोटैटो रोल्स बनाएंगे। इसके लिए डो को एक और बार गूंथ लेंगे।
अब हम डो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हम एक बड़ी लोई को बेल लेंगे। ध्यान रहे हम इसे थोड़ा पतला और बड़ा बेलेंगे। ध्यान रहे हम इसे ज्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, ना ही इसे ज्यादा पतला बेलेंगे। अब हम चाकू की मदद से इसे एक स्क्वायर शेप में काट लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से पट्टियों में काट लेंगे। अब एक बॉल को एक पट्टी पर रखकर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। लास्ट में इसमें थोड़ा पानी लगा देंगे। पानी हमने इसलिए लगाया ताकि अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते समय खुले ना। हम इसे हाथों से अच्छे से चिपका लेंगे। इसी तरीके से बाकी पोटैटो रोल्स भी बना लेंगे। पोटैटो रोल्स बन चुके हैं। अब हम एक एक करके सभी को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे फ्राई करते टाइम हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। अगर ये कहीं से फट रहा होगा तो हम फिर से पानी लगाकर इसे चिपका लेंगे और आलू को भी अंदर सेट कर लेंगे और चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करके फिर इसे फ्राई करेंगे। देखिए सारे पोटैटो रोल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी पोटैटो रोल्स को भी फ्राई कर लेंगे। पोटैटो रोल्स बनकर तैयार है। आप इसे टोमेटो सॉस या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।